जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज ये हमारे पास कमस्टो शेवल WK380 का कंट्रोल वाल है। ये मेन कंट्रोल वाल बॉडी है और इसके ये 5 स्पूल हैं। ठीक है, इन स्पूलों के बारे में बात करेंगे। ये सबसे पहले ये वाला स्पूल है रिवर्स गियर का, ये रिवर्स का स्पूल है। ये सबसे पहले फर्स्ट पे आएगा, ऊपर यहाँ पे इस जगह पे। इसको ऐसे आराम से डालना है, लेकिन ऑयल से लुब्रिकेट करके, ऐसे नहीं। उसके बाद इसके पीछे ये स्प्रिंग आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये स्पूल है दूसरे गियर का, ये पहले गियर का है, ये दूसरे गियर का है, ये पहले गियर का है। और ये वाला स्पूल जो है ये पार्किंग ब्रेक का है, पार्किंग ब्रेक जो है ये उसका स्पूल है। ठीक है जनाब, अब ये स्पूल वन बाय वन इसके अंदर फिट करेंगे, लेकिन इनको ऑयल से लुब्रिकेट करके उसके बाद जो है इनको फिट करेंगे। यहाँ से लुब्रिकेट कर लेते हैं। ये जो स्पूल है ये कंट्रोल वाल का लॉक स्पूल है। ये दो नंबर पे पड़ा है, ये लॉक स्पूल है, यानी कि आप गियर लगा लेंगे तो उधर ही गियर आपका लॉक हो जाएगा। क्लच वाला काम जो करता है, जब आप ब्रेक दबाएंगे तो क्लच का काम करेगा। ये बैठ गया, और ये दूसरे गियर का यहाँ पे आएगा। ये और ये क्लच वाला स्पूल है। ये जो स्पूल है ये क्लच का काम करता है। जिस टाइम आप गियर लगा के ब्रेक दबाते हैं तो ऑटोमेटिक जो है ये गियर का जो प्रेशर है, गियर के पंप का जो प्रेशर है वो रिलीज कर देता है। ये और ये जो स्पूल है ये पार्किंग ब्रेक है, हैंड ब्रेक का। अगर हैंड ब्रेक नहीं खुल रही तो इस स्पूल का जो काम है हैंड ब्रेक के साथ रिलेटेड है। अगर इसका सोलेनोइड नहीं काम कर रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, ये थोड़ा दिखने में बाहर आएगा। उसके बाद इसके ऊपर ये कवर बॉडी आ जाएगी, ये वाली। इसकी गैस्केट चेक कर लेनी है और फ्रॉक चेक कर लेनी है। ये पहले गियर का है, ये दूसरे का है, और ये रिवर्स गियर का सोलेनोइड है। और ये जो सोलेनोइड खोला हुआ है ये पार्किंग ब्रेक का है। और इसका जो फंक्शन अंदर का है वो ये, इसके अंदर पिन नहीं है, लेकिन इसके अंदर यहाँ से ऑलरेडी हाइड्रोलिक प्रेशर से आता है। जब आप पार्किंग लगाती हैं तो ये मैग्नेट जो है पिस्टन को वापस खींच लेता है और इस हॉल से प्रेशर आ जाता है। जब इस हॉल से प्रेशर आता है तो ऑटोमेटिक पार्किंग के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, ये प्रेशर से नीचे दब जाता है। जब दबता है तो हाइड्रोलिक जो है आगे पार्किंग ब्रेक की तरफ जाता है और पार्किंग ब्रेक जो है खुल जाती है। ये इसका फंक्शन है। और दूसरे जो सोलेनोइड ये वाले भी हैं, इनका भी सेम फंक्शन है। अंदर कोई पिन नहीं है, सिर्फ हॉल है। इसके अंदर भी कोई पिन नहीं है, सिर्फ हॉल है, यानी कि ये मैग्नेट से अपनी तरफ खींचता है और एक सुराख से दूसरे सुराख में हाइड्रोलिक जो है डिवाइस हो जाता है। ठीक है जनाब, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे दोस्त भाई जो वर्कशॉपों में काम करते हैं या इस फील्ड के साथ रिलेटेड हैं, उन तक पहुंचा देना ताकि उनके नॉलेज में इजाफा हो जाए। अल्लाह ताला आपको अपने अफसे मान रखे, आमीन।